आज 30 अगस्त 2019 है और हम बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में के कैंपस में बैठे हुए हैं। तो टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव कंबाइंड विद द बेसिक एजुकेशन लिया गया है कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की टीचर्स की बुक पब्लिश होनी है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग 2 दिन की वर्कशॉप में आए हुए हैं। ये पूरे करीब आप 50 शिक्षक हैं तो ये मानिए कि उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी। इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रिमोट एरिया में ही काम करते हैं या ऐसे जिलों में काम करते हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी ये शिक्षक असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के पीछे उनका जो परिश्रम है, उनका जो विश्वास है कि नहीं मैं इसको बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, दिन प्रतिदिन या हर घड़ी जो एक नई चुनौती नई समस्या रहती है उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसमें जो उनका इनोवेशन है, जो एक नवाचार है जिसको कहेंगे, वो बहुत ही रेखांकित करने योग्य है। One of the ideas of capturing teacher best practices is that you can go and you can document them from a third person's point of view. But the other idea is that the protagonist, the individual who's actually bringing about that change, that person tells their own story and the difficulties that they faced as well as how they solved those problems. तो इससे बाकी स्कूलों में भी, शेष स्कूलों में भी ये बात जाए। मेरी कोशिश ये है कि एक किताब की शक्ल में अगर जाएगा तो लोग उसको पढ़ के उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें नया भी जोड़ सकते हैं। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनिया, करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते मदद दूसरों की। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी जिंदगी को, जब हो असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से, अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। जब हम लिखते हैं सर, तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सामने वाला उसको पढ़ने के बाद उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसी टंकार होनी चाहिए कि वो उससे इतना प्रभावित हो कि वो भी कुछ ऐसा कर गुजरने की चाहत रखता हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फेवरेट पार्ट वो था जिसमें उन्होंने विभिन्न चीज़ें दी थी। मैंने जब वो पार्ट उठाए जिसमें कैंची, दाल और विभिन्न चीज़ें थी, मैंने सोचा लिखूं तो क्या लिखूं, लेकिन जब स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि इसके बारे में भी, इस छोटी सी चीज़ के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है और मैंने लिखा। कभी कभी तो लगता है कि नानी के ऊपर जाने के बाद अगर मेरा सबसे अच्छा ध्यान किसी ने रखा है तो वो तुम हो। मेरी ऑल आउट तुम्हारी खुद की सेहत कमज़ोर हो रही है तो तुम आराम करो। तो इनसे प्रेम क्यों? अब तुम ही बताओ, अभी अभी तो तुमसे प्रेम हुआ और अभी ये तुषार है। मेरा फेवरेट पार्ट, जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको आपको लेटर लिखना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई चीज लिखी है, तुम कुछ गलत हो तो सो सॉरी। भाषा जो है वो आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए, आपके अंदर से निकल रही भाषा, आपका जैसे आपका व्यक्तित्व उसमें बोल रहा हो उस तरह का। तो हम अपना जो टॉपिक चुने उस पर कितना केंद्रित रह पाते हैं, है ना, इधर उधर न भटके, क्योंकि नॉलेज तो हमें बहुत है, लेकिन हो सकता है आपने जो टॉपिक चुना है आपकी बहुत नॉलेज की उसे ज़रूरत न हो।
जीवित रहने का लक्षण है कि आप प्रोपोगेट करते हैं। अपने जैसा एक अगर आप नहीं बनाएंगे, अपने जैसा एक या दो या चार, दस, पंद्रह, तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो जो दायरा है मेरा, इन्फ्लुएंस है, उसको कैसे मैं बड़ा कर सकता हूँ। शिक्षक तो हम थे ही, शायद हमारे अंदर की जो लेखक की प्रतिभा थी, लेखन की, वो भी इस कार्यशाला में उभर करके आ गई। लेकिन इस कार्यशाला से मुझे एक चीज जानने को मौका मिला कि हमें हमारा लेख या हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि हमें कहना ना पड़े कि हमने ये किया, तो हमारी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस राइटिंग से हमारी काम समझ में अपने आप आ जाए, हमको उसको बताना ना पड़े विशेष रूप से हमने ये काम किया है। कोटेशन मैम का आया था कि शोज डोंट टेल, आपकी बातें जो है, अभिव्यक्ति जो है वो ज्यादा लिखावट में ना हो, आपके भाव जो है वो प्रकट करते हो आपके कामों को। लेकिन यहाँ आके लगा कि हम किसी से कम नहीं है, हमारा बेसिक परिवार के शिक्षक बहुत ही आगे हैं, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही समर्पित है। जो यहाँ से व्यू लेके जा रहे हैं, इससे जो है मिलता हुआ और नई नई चीजों को लिखते रहेंगे अपने विद्यालयों में, ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ से सीखने के बाद।